नाउ अब हम देखेंगे ग्रोथ एंड डिके कैसे कैसे होती है अलग तरीके के सर्किट के अंदर। सबसे पहले हम लेंगे ग्रोथ एंड डिके इन एल आर सर्किट। एंड इन द एल आर सर्किट, ग्रोथ एंड डिके इन द एल आर सर्किट। एल आर सर्किट में ग्रोथ एंड डिके कैसे होता है, ग्रोथ एंड डिके इन एल आर सर्किट। तो उसके लिए हम सर्किट बनाते हैं पहले। एल और ये आर, इट इज आवर मोर्स की, ये हमारी की है, और इधर हमारी बैटरी लगी है। नाउ फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट ग्रोथ ऑफ करेंट, ग्रोथ ऑफ करेंट। फिर देखेंगे हम ग्रोथ ऑफ करेंट को। ग्रोथ ऑफ करेंट किस तरीके से होती है जरा हम देखते हैं। जरा ग्रोथ ऑफ करेंट केस में, ग्रोथ ऑफ द करंट केस में जब हम यहाँ से बैटरी और स्विच को कनेक्ट करते हैं, बैटरी और स्विच को कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से करंट पास होता है, करंट पास होता है सर्किट के अंदर, सर्किट के अंदर करंट पास होता है। तो सर्किट के अंदर करंट पास, जब सर्किट के अंदर करंट पास होता है, तो ऐसी कंडीशन में अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ देयर इज सम अपोजिशन, अपोजिशन प्रोड्यूस विद इन देम। तो ऐसी कंडीशन में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी पैदा होता है वाइल ग्रोइंग, वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है टू अपोज द करंट, करंट को अपोज करने के लिए एक ईएमएफ पैदा करता है। सो हम देखते हैं कितना कितना ईएमएफ पैदा किया जाता है, अमाउंट ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस बाई इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। देखते हैं ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू रेजिस्टेंस आर, आर रेजिस्टेंस आर के द्वारा कितना बनता है पोटेंशियल डिफरेंस, होता है वी इक्वल्स टू, नहीं होता है आई आर के बराबर। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू इंडक्टेंस, पोटेंशियल ड्यू टू इंडक्टेंस एल। इंडक्टेंस कितना बनता है इसका, बनता है एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर मिलता है। तो टोटल ईएमएफ कितना हुआ, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बनता है ई इक्वल्स टू आई आर प्लस एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर बनता है। नाउ हम देखते हैं
अब करंट बढ़ा, करंट बढ़ करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा। अब करंट मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा तो करंट आई इक्वल्स टू आई नॉट और कॉन्स्टेंट सप्लाई हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में हमारा डी आई अपॉन डी टी जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि करंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, मैक्सिमम सप्लाई हो जाएगी मैक्स आई। जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में आई नॉट बनेगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जीरो के बराबर हो जाएगा। तो E इक्वल्स टू आई आर और यहाँ आई नॉट हो गया और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जीरो हो गया तो एल इंटू जीरो, तुम्हारे E की वैल्यू जो बनी, E की वैल्यू बन गई, E की वैल्यू आई नॉट आर के अलावा बन गई। नाउ E की वैल्यू से पुट करते हैं हम, आई नॉट आर इक्वल्स टू आई आर प्लस एल डी आई अपॉन के डी टी। नाउ हम इसको इधर ले जाते हैं तो क्या होता है, आई नॉट आर माइनस आई आर इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। सो आई नॉट माइनस आई आर इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। थोड़ा चेंज करते हैं इसको तो क्या मिलता है हमें, आर अपॉन एल डी टी इक्वल्स टू डी आई अपॉन आई नॉट माइनस की आई। थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं, हाँ इसे थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं हम, तो होता है डी आई अपॉन आई नॉट माइनस आई इक्वल्स टू आर अपॉन एल डी टी के बाद हमारी वैल्यू बनती है। नाउ टोटल करंट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, इससे कुछ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमें इंटीग्रेट किया, इसे इंटीग्रेट किया, इसे वी इंटीग्रेट इट, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस मिलता है माइनस के लॉग ई आई नॉट माइनस आई इक्वल्स टू आर अपॉन एल, आर अपॉन एल टी प्लस की के। नाउ ये क्वेश्चन बनती है, नाउ व्हेन I इक्वल टू जीरो, जब I करंट जो था वो जीरो था और टाइम टी भी जीरो था, तो ऐसी कंडीशन की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव log E I नॉट जीरो माइनस जीरो बराबर R अपॉन L इंटू जीरो प्लस के, इसकी वैल्यू थी। नाउ तुम्हारी K की वैल्यू क्या बनी, K हमारे बना माइनस के log I नॉट के बराबर हमारी K की वैल्यू बनी। अब इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम log k की वैल्यू पुट कर सकते हैं, वी आर एबल टू पुट द वैल्यू ऑफ log, वैल्यू ऑफ k इन द गिविंग ऑप्शन, सो वी हैव माइनस log e इक्वल्स टू आई नॉट माइनस i इक्वल्स टू आर एल टी माइनस log e आई नॉट। अब इसको इधर ले जाते हैं, माइनस लॉग ई, माइनस लॉग ई आई नॉट माइनस आई और ये प्लस लॉग ई आई नॉट इक्वल्स टू आर अपॉन एल टी। मैथ एंड कॉमन लेते हैं दोनों में से, तुम्हें बनता क्या है, तो वी हैव लॉग ई आई नॉट माइनस आई माइनस के लॉग ई आई नॉट इक्वल्स टू आर एल अपॉन का टी। मैं समझ को पहुंचा देते हैं और लॉग ई इक्वल्स टू आई नॉट माइनस के आई माइनस लॉग ई आई नॉट
इक्वल टू नेगेटिव आर एल टी। हाँ तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे इसे लिख सकते हैं लॉग ई इक्वल्स टू आई नॉट माइनस के आई अपॉन के आई के फॉर्म में से लिखा जा सकता है। नाउ नेगेटिव आर अपॉन एल इंटू टी, नेगेटिव आर अपॉन एल इंटू टी हमारी वैल्यू बनती है। नाउ नाउ इस वैल्यू को लेते हैं जरा हम लॉग ई आई नॉट माइनस आई अपॉन के आई नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव आर अपॉन एल टी। नाउ लॉग ई को दब जाते हैं तो हमारी वैल्यू बनती है आई नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू ई नेगेटिव आर एल टी के बराबर वैल्यू हमारी बनती है। नाउ वन माइनस आई अपॉन के आई नॉट तो ई इक्वल टू नेगेटिव आर अपॉन एल इंटू टी। इसको हम इधर ले जाते हैं तो आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू वन माइनस ई माइनस आर एल इंटू टी। नाउ आई को इधर ले गए हम तो क्या बना आई इक्वल्स टू आई नॉट आई माइनस ई की पावर नेगेटिव आर नेगेटिव आर एल इंटू टी, ये हमारी वैल्यू बनती है। नाउ अगर हम इफ आर अपॉन एल को हम टाउ के अलावा मान लें एल अपॉन आर को टाउ के अलावा मान लें तो आई जो है बनता है आई नॉट इक्वल्स टू वन वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन के टी के बराबर हमारी वैल्यू बनती है करंट की। नाउ हम क्या कर सकते हैं अगर जो टी है और टाउ जो है टाइम पीरियड दोनों टाइम पीरियड अगर आपस में बराबर हो जाएं तो ऐसी कंडीशन में जो आई है वो आई नॉट वन माइनस ई माइनस वन के बराबर हो जाएगा। अब हम इसे इन्वर्स करते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट एंड वन माइनस वन अपॉन ई के बराबर होता है। नाउ आई इक्वल्स टू आई नॉट वन माइनस वन अपॉन 2.718 एट द वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू ऑफ ई को हम इसमें पुट करते हैं तो आई की वैल्यू मिलती है आई नॉट इक्वल टू वन माइनस थ्री 6.8 तरी निकलती है और जो सब्ट्रैक्ट करने पर आई की वैल्यू जो हमें मिलती है वो मिलती है आई नॉट इंटू 6 3.8 के बराबर। तो और इसे 100 से मल्टीप्लाई करने पर 100% से मल्टीप्लाई करने पर परसेंट से तो ऐसी कंडीशन में मिलता है आई इक्वल्स टू 63.8 आई नॉट। तो इस तरीके से जो टाइम कांस्टेंट टी था टाइम कांस्टेंट था इसे डिफाइन किया जा सकता है टाइम कांस्टेंट टी को डिफाइन किया जा सकता है हाँ टाइम कांस्टेंट इज द टाइम पीरियड
इन विच करेंट कैन ग्रो अप टू 63.8% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करेंट। तो मैक्सिमम वैल्यू है उसका 63.8% जिस टाइम में ग्रो हो जाएगा वही हमारा टाइम कांस्टेंट और टी का करंट बोला जाएगा। जो ग्राफ होता है, जो ग्राफ आता है हमारा इनकी ग्रोथ का, ये हमारा आई है आई नॉट, और इसमें जो ग्रोथ हो रही है ग्रोथ कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है इन गिविंग टाइम टी, इन गिविंग टाइम पीरियड टी ग्रोथ विद इन अ करंट, करंट के भीतर ग्रोथ हमें इस तरीके से देखने को मिलती है। नोट इट डाउन। वो तुम्हारा कपड़ा गायब कहाँ चला गया? वो कपड़ा कहाँ चला गया तुम्हारा? वो एक थोड़ी बात कर दे बेटा, करूंगा बेटा, ढूंढते बस। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है डिके ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट के बाद डिके ऑफ करंट देखते रहा। अरे दो मिनट, क्या दो मिनट बस, दो मिनट। डिकिंग ऑफ करंट, डिकिंग ऑफ करंट, करंट का डिके। अब देखते हैं करंट का डिके होने में तो टोटल पोटेंशियल होगा जीरो के बराबर होगा। हमारे पास फॉर्मूला जो था उसे ही लेते हैं सीधा, V इक्वल्स टू आई आर प्लस एल डी आई अपॉन के डी टी। जब करंट जीरो होगा, करंट मीन टू से जब मैक्सिमम टू जीरो जाएगा, क्या जाएगा, मैक्स टू जीरो जाएगा करंट अपोज डायरेक्शन में, इस बार अपोज डायरेक्शन जाएगा करंट अपोज डायरेक्शन में, अपोज डायरेक्शन फ्लो करेगा, अपोज डायरेक्शन में, हाँ मैक्सिमम टू जीरो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो ई होगा वो फाइनली जीरो के बराबर हो जाएगा। तो जीरो इक्वल्स टू आई आर प्लस एल डी आई अपॉन का डी टी। इधर हम ले जाते हैं आई आर इक्वल्स टू नेगेटिव एल डी आई अपॉन का डी टी। नाउ हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आर अपॉन एल नेगेटिव का डी टी बराबर डी आई अपॉन आई। वैसे रोटेट कर लेते हैं, डी आई अपॉन का आई बराबर नेगेटिव आर एल डी टी। अब ये हमारी वैल्यू बन के आई। अब दोनों साइड हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे हम पहले इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पर मिलता है लॉग आई इक्वल्स टू नेगेटिव आर एल टी प्लस का के। जब टी हमारा जीरो के बराबर होगा एंड टी इक्वल टू जीरो, तो हमारी के की वैल्यू कितनी जाएगी, के की वैल्यू जाएगी लॉग ई आई नॉट, लॉग ई आई नॉट के बराबर हो जाएगी। नाउ
इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, लॉग ई आई, लॉग ई आई इक्वल्स टू नेगेटिव आर अपॉन टी, आर अपॉन एल टी प्लस, और लॉग ई आई नॉट। तो लॉग ई इक्वल्स टू आई माइनस लॉग ई आई नॉट बराबर आर अपॉन एल टी नेगेटिव में, ये वैल्यू बनेगी। अब हम इसे तरह सॉल्व करते हैं, लॉग ई इक्वल्स टू आई माइनस का आई नॉट बराबर आर अपॉन एल टी, लॉग ई को तो ले जाते हैं तो आई इक्वल्स टू आई नॉट बराबर ई नेगेटिव आर अपॉन एल इंटू टी। सो आई इक्वल टू बनता है हमारा आई नॉट ई नेगेटिव आर एल टी के बराबर वैल्यू बनती है। अगर हम मान चलें वह टाउ है वो एल अपॉन आर के बराबर है, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट टी अपॉन टाउ, ये हमारी ई की पावर नेगेटिव टी अपॉन टाउ के बराबर हमारी वैल्यू आती है। इफ टी एंड टी आपस में इक्वल हो तो आई इक्वल्स टू हमारी वैल्यू बनती है आई नॉट ई नेगेटिव वन। सो आई इक्वल्स टू आई नॉट इंटू वन अपॉन ई, वन अपॉन ई की जो होता है आई इक्वल्स टू होता है आई नॉट इंटू वन अपॉन 2.718 के बराबर। नाउ जब से हम रखते हैं आई इक्वल्स टू 36.8 आई नॉट, अब परसेंटेज निकालते हैं तो आई इक्वल्स टू 36.8 परसेंटेज ऑफ आई नॉट हमारा करंट निकल के आता है। हाँ, तो ये दोनों जो क्वेश्चन होती हैं इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को बोलती हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो होती है उसको बोलता इक्वेशन फॉर ग्रोथ ऑफ करंट और ये सेकंड इक्वेशन है इसे बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर द डिकिंग ऑफ करंट और द डिकिंग ऑफ करेंट। सो तो ग्राफ बनता है इसका, तो ग्राफ आता है ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट और इससे करेंट डिकीज हो रहा है, डिकिंग इन द टैंक टी। तो ये हमारा डिकिंग ऑफ करेंट का ग्राफ होता है। जो ग्रोथ ग्राफ था, ग्रोथ ग्राफ हमने देख रखा था, ग्रोथ ग्राफ होता है कुछ तरीके का जिसमें CO2 मैक्सिमम इसमें ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ और I नॉट तक जा रहा है इन टाइम T और इसमें डिके हो रहा है, डिके एंड ग्रोथ। हाँ, टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, टाइम कांस्टेंट टाइम कॉन्स्टेंट फॉर द करेंट इज, छोटे से छोड़ो, हाँ बस काफी इसके लिए।